से जुनून भी तुझको पता है, तुझमे छुपा है तू उसको ले, उसको ले पहचान। तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा, उसको पता है जो लापता है तू इतना ले अब मां। वो दिल में है तेरे, थोड़ा सा शोर हो जाए, कम ऑन एवरीवन, तालियों के साथ और शोर के साथ स्वागत किया जाए मिस्टर कौशल कुमार। A very beautiful and warm welcome, sir. बारी है हमारे अगले डायमंड अचीवर को बुलाने की, जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर जमुना प्रसाद मौर्य। एंड वो अकेले नहीं आ रहे हैं, जी हाँ, देवी और साजिन, उनके साथ एक और डायमंड अचीवर आने वाले हैं इस खूबसूरत से मंच पर। जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर विनोद जायसवाल, कम ऑन एवरीबॉडी। जी हाँ, अब एक नहीं बल्कि दो दो डायमंड अचीवर साथ में आने वाले हैं, तालियों के साथ स्वागत किया जाए मिस्टर जमुना प्रसाद मौर्य एंड मिस्टर विनोद जायसवाल, तालियों के साथ एवरीवन। प्यारे दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुपक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है, बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है तो की आंख मिला के फिर जाने का नाम है प्यारे दंगल 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 दंगल। तालियां कम ऑन एवरीवन, सभी के हाथ ऊपर, जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर जमुना प्रसाद मौर्य एंड मिस्टर विनोद जायसवाल, दंगल दंगल। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना the short macha ke everyone dangal 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 suraj tera chadta sabse pehle hum apne senior apne bhagwan ko naman karte hain pranam karte hain vandan karte hain jinki aaj support se jinke aashirwad se aaj hum yahan tak pahunche hain aur aaj ke kai saal pehle jab hum आज जो समस्या है हमको और जो समस्या है चार साल पहले जब हम कंपनी किसी और में नहीं जुड़े थे, किसी और कंपनी जुड़े थे तो दस करोड़ रुपए की लाइबिलिटी हमारे पास थी, तो मन नहीं कर रहा था क्या करें क्या ना करें, लेकिन बीच में हमारे बीच में कुछ तीसरे पार्टी के माध्यम से हमारी ज्वाइनिंग हो गई, हम ज्वाइनिंग तो कर लिए कि मन नहीं लग रहा था कि हाँ यार छोटे छोटे लड़का हैं कि क्या करें क्या नहीं करेंगे, हमारे लड़के के बराबर हैं तो विश्वास करके काम किया हमने। और आज मीना सर संजय सर को हम नमन करते हैं, संजय सर और अविनाश सर आज हमको उंगली पकड़ कर चलाया,
संजय सर, अमीनाथ सर जी और आदि सर जी, ज्ञानेंद्र शर्मा सर, दुबे साहब, श्री कुमार जी को बहुत बहुत बधाई दो और बहुत प्रणाम करते हैं, और अनिकुरी सर को नमन करते हैं, और संजीव सर को बारंबार हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज उन्हीं के माध्यम से आज 4 साल का समय, वो करोड़ों रुपए की लायबिलिटी होने के बाद भी हमारा मन नहीं कर रहा था कि क्या करें क्या न करें, और आप धीरे धीरे काम को शुरुआत किया, धान को शुरुआत किया, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे सीनियर संजय सर का और अविनाश सर का महत्व है, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे। हमारे संजय सर और अविनाश सर हमारे जैसे लीडर, ऐसे हमारे तो भगवान इतने से हैं कि कोई सीनियर नहीं है इसे मिलेंगे। आज ही जैसे सीनियर हैं, इनको इनके सपोर्ट ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आज हमारे सीनियर हैं ना, सब सीनियर हैं, पूरे भारतवर्ष में हमारे सीनियर हैं सब। और आज बता रहे हैं कि अवेलेबिलिटी थी कि आज हमारे सब ही चालू हुआ, और प्यारी से हमारी टीम ने उनको सपोर्ट किया, और आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। बताओ नहीं कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विनोद प्रसाद जायसवाल और आप इस समय गाजीपुर लंका का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये बिजनेस बाई लक या बाई चांस मुझे 3.5-4 साल पहले मिला था। हमारे अपलाइन अंकुर सर थे जो मुझे पहली बार प्लान दिए थे। और दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं अपना छोटा मोटा व्यापार किया करता था और गायत्री परिवार से जुड़ा था। जानते ना, एक गायत्री परिवार संस्था है। मैं बचपन से जुड़ा हुआ था और क्या करता, मैं साइकिल पर अखंड ज्योति पत्रिका बांटा करता था और अपने गुरु का काम किया करता था। दोस्तों, जब अंकुर सर ने मुझे 3.5 साल पहले प्लान दिया था तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे। मैंने सर से बोला, सर ये क्या लगता है, सर ये पैसा कमाना आसान है क्या, अब जो 100 करोड़ का प्लान दे रहे हैं? यदि इतना आसान होता सब लोग यही काम करते हैं ना। आज के डेट में देखा जाए सर, MBA BTEC करने के बाद लोगों को 40-50-60 हज़ार नौकरी नहीं मिल रही है। आप बोल रहे सर यहाँ 100 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। और दूसरा मेरे मन में डाउट था, दोस्तों यदि मैं प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे? यही नहीं कहेंगे यार 100 रुपये चेक इन 1000 रुपये ठक के चला गया। दोस्तों, मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था और मेरे गुरुदेव कहा करते थे, बेटे कभी दिल दुखा के पैसा मत कमाना, चिकार करते हुए जाएगा। दोस्तों, मैं गरीब था लेकिन ईमानदार था। मैं बोला यार, दुनिया में यदि ऊपर वाला है तो मैं जब भी आगे बढ़ूंगा ईमानदारी से बढ़ूंगा, नेक नियत से बढ़ूंगा, दूसरों को आगे बढ़ा के बढ़ूंगा। दोस्तों, जाने अनजाने में ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला और मैंने काम करना शुरू किया। मुझे पाई सी घबराहट थी। दोस्तों, जानता ना, MLM मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज़ें ज़्यादा बोलने वाला लोग चाहिए। अब मैं बिल्कुल कहा जा सकता है तो मैं बिल्कुल असामाजिक प्राणी था। मैं मंदिर पर जाकर सो जाता था, मैं गुरुदेव का काम करता था, माने बिल्कुल मैं समाज के कट के रहा करता था। लेकिन सपने मन में बहुत सारे सपने थे यार, पढ़ने का शौक था यार, मैं पढ़ूंगा बहुत अच्छा आगे तक जाऊंगा, लेकिन पढ़ नहीं पाया अपनी मजबूरी के चलते। बिजनेस भी सोचा मैं बहुत बिजनेस करूंगा, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाया। आप भी जानते हैं सर, बिना पूंजी के पैसा कमाना बहुत ही कठिन काम है, और जहाँ पैसा नहीं आता है, इनकम का जरिया नहीं है, तो लोग उस समाज के लोग हिंदी दृष्टि की देखा करते थे। दोस्तों, हमारे भी कुछ रिश्तेदार थे, कुछ अपने जानने वाले थे, जो लोग मुझे हिंदी दृष्टि की देखा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। मैंने प्लान देकर लोगों के पास जाया करता था, लोग बोलता था ये कुछ नहीं करेगा, खाली करोड़ों का ख्वाब देखता है, दूसरों को दिखाता है, ये कामचोर है, निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, खाली बड़ा बड़ा ख्वाब देखता है। लेकिन दोस्तों, मन में सपने थे, क्योंकि मेरे अपने गायत्री परिवार से अखंड ज्योति पत्रिका आता था, हरिया नहमत ये पुस्तक आती थी, मैं पढ़ता था, मोटिवेट हो जाता था नहीं यार जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा काम करना है, सोच बड़ी थी। दोस्तों, इस तरह मैंने प्लान देना शुरू किया। सबसे पहले प्लान अपने एक भांजे को दिया था, शायद वो आज वो यहाँ पर आकर बैठा हुआ भी है। मैंने सबसे पहले उसको प्लान दिया, मैं बोला यार देख धनु, मामा भांजा ये बहुत अच्छा मेरे पास प्लान है, 100 करोड़ कमाने का प्लान है, 8-10 हज़ार रुपये लगाना है, 100 करोड़ कमाना है, तू बहुत टैलेंटेड है, तू सामाजिक प्राणी, तू थोड़ा नेता स्वभाव का है, मैं बिल्कुल असामाजिक प्राणी हूँ, दोनों मिलकर मामा भांजा कमाएंगे बहुत अच्छा। जानते हैं क्या बोला? बोला मामा ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम है, ये सब कोई कमाता वमाता नहीं है, ये कंपनियाँ 4 महीना बाद तुम दिखोगे ना तुम्हारी कंपनी दिखेगी। मैं यार गया था अपने भांजों को समझाने के लिए, मेरे भांजा ने मामा को समझा के भेज दिया। मतलब अब सोचिए ये स्थिति हो चुकी थी दोस्तों, आज बेचारा आके यहाँ बीच में बैठा हुआ भी है। मतलब जहाँ जाते थे वहीं विरोध करते थे। मैं एक आदमी को प्लान दे रहा था बगल में, उन्हें बोला जानते हो सर इस बिजनेस में क्या होता है, 100 में कोई 2 ही आगे बढ़ता है,
मैं बड़ा सोचने लगा, एक सामने वाला बंदा मोटिवेट भी किया था, वो बंदा हमको रजिस्ट्रेशन का पैसा भी देने वाला था, एक बगल में आ गया, बोला सर ऐसे बिजनेस में कोई आगे को बढ़ता नहीं, आप झूठ मूठ के मेहनत कर रहे हैं, इसमें 100 में तो कोई दो ही आगे बढ़ता है। दोस्तों मैं मंदिर पर जाकर सोचने लगा, यार सपने पूरे होंगे या केवल ऐसे ख्वाब रह जाएंगे। ये बोला बंदा 100 में दो आगे बढ़ते हैं, मैं 98 में हूँ या 2 में हूँ, लेकिन मैं दोस्तों मेरा प्लान बहुत अच्छे थे, आकर मोटिवेट किए, नहीं विनोद जी काम करिए, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। दोस्तों गलती से एक बार आदित्य सर ने मुझे नैनीताल लेके चले गए जबरदस्ती। दोस्तों मैं गरीबी से मारा हुआ था, एक मेरी बड़ी बहन थी, 30 साल की, मेंटली डिस्टर्ब थी, बहुत सारी दिक्कतें होती थी, बहुत सारी परेशानियां होती थी, लेकिन आदित्य सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बोला विनोद जी या तो अपने जीवन भर इस परेशानी से लड़ते रहिए, अपने बहन से लड़ते रहिए, या तो चलिए एक बार इस ट्रेनिंग में नैनीताल, हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। दोस्तों मैं उस नैनीताल में गया था, और जब नैनीताल गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जानते हैं लास्ट में मुझे क्या समझ में आया? जब लास्ट में MD सर 2-4-10 लोगों को, सुकुमार सर हमें याद है, सुकुमार सर को खड़ा किए थे, महिपाल सर को खड़ा किए थे, अनिल कुड़ी सर और नसीम खान को खड़ा किए थे, बोले देखो ये लोग इतने कमा चुके। दोस्तों मैं सोचा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, मात्र इंटर तक पढ़ा था, मैं सोचा जब सर लोग कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। दोस्तों उस दिन के बाद मैंने चलना शुरू किया, और दोस्तों नहीं सोचा नहीं यार मैं यहाँ डायमंड बन के जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों जहाँ लोग बोला करते थे एक नहीं आएंगे, दो नहीं आएंगे, दोस्तों आज बताते हुए अच्छा लगता है, आज मेरा 26,000 लोगों टीम बन चुके हैं। दोस्तों 26,000 लोगों टीम बन चुके, सोचिए DSP सर भी आए हुए हैं, हमारा टीम में काम करते हैं, मतलब जब अच्छा लगता है, जब मुझे गुरु जी बोलते हैं लगता है यार मुझे क्या प्लेटफॉर्म परमात्मा ने दिया है। सोचिए मैं एक वो इंसान था, एक पुलिस वाले सामने जाकर बात करने में कांपने लगता था, अब मुझे सर पर जाने, मुझे सर मुझे इतना इज्जत देते हैं। सर सोचिए आज अच्छे अच्छे लोग आए, यहाँ लोग बोला करते थे यार 2-4 हज़ार नहीं कमाएगा, 6,000 नहीं कमाएगा। दोस्तों आज महीना में देखा जाए तो 3-4 लाख एवरेज कमाता है, दोस्तों 3-4 लाख एवरेज कमाता है। दोस्तों क्या लगता है पैसा कमाना आसान है क्या? क्या लगता है आज के दुनिया में ईमानदारी से पैसा कमाना आसान है क्या? नहीं दोस्तों, बहुत पापड़ बेलना पड़ता। सोचिए आज मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला हो तो, मिला होता तो मैं क्या करता? दोस्तों मैं यही कहूंगा, ये परमात्मा के दिया अवसर है, बस इसको पकड़ के रखिएगा। आने वाले समय में 3-4 साल में जिसे मेरा जीवन बदला, मैं गारंटी दे सकता हूँ हर बैठा हुआ बंदा डायमंड बन सकता है, कार्यचोर बन सकता है। दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूँ, बस इस प्लेटफॉर्म पर टिके रहिएगा, बस ईमानदारी से मेहनत करिएगा, सच्चे दिल से लगे रहिएगा, परोपकार की भावना लेकर काम करिए। दोस्तों कहीं ऊपर वाला होगा तो आपको पैसा देगा। दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूँ, अभी मेरा 3-4 लाख इनकम महीने में आता है, 6 महीना बाद मेरा 10 लाख इनकम हो जाएगा। और दोस्तों मैं साइकिल से बिजनेस शुरू किया था, आज के डेट में मेरे पास बलोनो कार है, मैं गारंटी देता हूँ यदि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो 4 महीना बाद यानी अप्रैल में मेरा दोस्तों BMW 5 सीरीज जल्द 80 लाख रुपये गाड़ी ले रहा हूँ। दोस्तों 80 लाख रुपये गाड़ी ले रहा हूँ। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म की ताकत है, ये ईश्वर के दिया हुआ है। जानते हैं जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, जब अवसर देता है तो साथ में तकलीफें भी देता है। वही आगे बढ़ेगा, वही पैसा कमाएगा जो तकलीफों को झेलेगा, जो बर्दाश्त करेगा। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसे ऐसे समय आए ना, मैं क्या बताऊँ, एक समय मेरे घर में 2 किलो आटा लेने का पैसा नहीं था। सर मेरी एक भांजी थी, छोटी थी, इस स्कूल में एडमिशन कराना था, मैं एक आदमी को ब्याज पर पैसा मांगा 2,500 रुपये, मुझे नहीं दिया, मैंने 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ा दिया। दोस्तों मेरी बहन का दवा लाना पड़ता था, मैं एक रिश्तेदार से 140 रुपया मांगा, वो मुझे नहीं दिया। और दोस्तों एक मेरा रिश्तेदार था, मैं दुबे सरकार ट्रेनिंग बनारस में हो रहा था, मैं 600 रुपये उधार लेके आ रहा था, और मेरा रिश्तेदार रास्ते में मिल गया वहीं गाजीपुर में, 200 रुपया उसका उधार था, मुझे इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया, मैं सोचा यार ऐसे जिंदगी का अच्छा तो आत्महत्या करना होता, लेकिन मैं सोचा नहीं यार कहीं नहीं कहीं ऊपर वाला है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, देगा जरूर देगा, एक ना एक दिन जरूर देगा। दोस्तों आज दिया। दोस्तों हम लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं, विश्वास करिए ऊपर वाले आपको प्लेटफॉर्म जाने अनजाने में दे चुका, हो सके आप अच्छे कर्म किए हो, आप नेक नियत वाले होंगे, अपना झांक के देखिएगा, या माँ बाप का आशीर्वाद होगा, या आपका परोपकार की भावना होगी। दोस्तों आप आए नहीं है, कोई लाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, लाने वाला कोई ना कोई और शक्ति है, ध्यान रखिएगा, आप अपने से नहीं आए हैं, देने वाला कोई और है, लाने वाला भी हो कोई और है, हो सकता है आपके जीवन भाग का उदय होने वाला हो, जाने अनजाने में आ चुके। दोस्तों बस प्लेटफॉर्म को पकड़े रहिएगा, प्लेटफॉर्म को पकड़े रहिएगा, संघर्ष करिएगा, जिंदगी तो वो बदलेगा। दोस्तों मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जानते हैं गायत्री परिवार संस्था है, मेरे गुरुदेव वांग में लिखे थे महाकाल का युग परिवर्तन प्रतिक्रिया, गुरुदेव लिखे थे बेटे, कहते थे बेटे आने वाले समय में नेता अभिनेता हटेगा झुकेगा बेटे, क्योंकि महाकाल का चक्र चल रहा है, जो नहीं झुके पिस जाएगा। दोस्तों आने वाले समय में सिंपल सिंपल लोग उभर उभर के तेजी से आगे आएगा ना, लोग देखते रह जाएंगे। सोचिए दोस्तों आज से 4 साल पहले हम अंकुर जी साइकिल प्लान करने जाया करते थे,
बोलते थे भैया काम स्टार्ट कर, कार आएगा, लाखों आएगा, करोड़ों लोग मजाक उड़ाया करते थे। दोस्तों क्या लगता है आज अंकुर सर के देखा जाए 24 साल का उम्र है 84 लाख का कार मेंटेन करते हैं, सोचिए सर जिले में कौन करता होगा, कोई करता होगा क्या, कोई करता होगा क्या? जिला तो छोड़िए दोस्तों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखिएगा, एक बार रात में सोने पर उंगली पर गिनिएगा किचन कितने ऐसे लड़के होंगे, कितने ऐसे आदमी होंगे जो 24 साल की उम्र में अपने ईमानदारी से कमाई से अपने मेहनत की कमाई से दूसरों को कमवा कर खुद 84 लाख का कार मेंटेन करते होंगे, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा सर, होगा क्या, होगा क्या ऐसा कोई जो 24 साल की उम्र में 84 लाख का कार मेंटेन करता है? दोस्तों आज मेरा अप्लाइंग का हुआ, कल मेरा भी होगा, दोस्तों ये जो आज मेरा अप्लाइंग का हुआ कल मेरा भी होगा, मुझे पूरा विश्वास था। दोस्तों यदि कोई 84 लाख का कार मेंटेन करता भी होगा ना तो गिने चुने लोग ईमानदारी से कमा कर करते होंगे, यदि होंगे तो 2 नंबर वाले होंगे या 3 नंबर वाले होंगे या बाप दादा प्रॉपर्टी वाले होंगे। सर आज हम लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। दोस्तों दुनिया में जब भी कोई अवसर मिलता है तकलीफें भी साथ में आती है, ध्यान रखिएगा। अरे सर क्या लगता है आप लोग मना करते होंगे, अरे जब धरती पर प्रभु राम आए थे ना उनको भी लोग मना कर देते थे, वो बोले राजकुमार है ये वनवासी है, साथ कौन दिया था सर, कोल भील बंदर भालू गिलहरी दिए थे। अरे भगवान कृष्ण भी आए थे ना उनका साथ कौन दिया था सर, अच्छे अच्छे लोग साथ नहीं दिए थे, बड़े लोग साथ नहीं दिए थे, साथ कौन दिया था, ग्वाल बाल साथ दिए थे। लेकिन आज सोचिए दोस्तों आज यदि राम का इतिहास लिखा जाता है ना तो गिद्ध गिलहरी बंदर भालू ऋषि बंदरों का नाम आता है नहीं आता है? यदि भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है दोस्तों इतिहास लिखा जाता है तो वही ग्वाल बालों का नाम आता है। और दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि इस दुनिया में यदि इस वर्ल्ड में एमएलएम का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम एडोल्फ पियल का आएगा दोस्तों, एडोल्फ पियल का आएगा। और दोस्तों जैसे रामायण में भागवत में उन लोग महापुरुषों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, यदि हम लोग भी इस एडब्ल्यूपीएल में जुड़े रहे तो आने वाले समय में एडब्ल्यूपीएल के साथ साथ हम लोगों के नाम कहीं नहीं सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा दोस्तों, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बस विश्वास करिए जब मेरे जैसा बंदा न बोलने वाला बंदा यहाँ डायमंड बन सकता है, 4 लाख महीना कमा सकता है, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों 2022 में मेरी इनकम 8 से 10 लाख हो जाएगा, 2023 में मेरी इनकम 25 से 30 लाख हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग इतिहास बनाएंगे, ख्वाब वो देखते हैं दोस्तों ख्वाब ये है ना, ध्यान रखिएगा कोई नेता कोई होगा ना कोई सांसद विधायक तो कभी चलता होगा तो बलून उसे चलता होगा स्कॉर्पियो फॉर्चूनर से, लेकिन जब एक नेटवर्कर चलेगा ना दोस्तों तो उसे आगे पीछे 4 गनर हो गए, आगे पीछे बीएमडब्ल्यू ऑडी मर्सिडीज की लाइनें लगी दोस्तों। आ वो दिन आएगा एक बाप भी अपने बेटों को देख कर बोला अपने बाप भी बेटे को बोलने पर मजबूर हो जाएगा तो बेटा तू कुछ बनना या मत बनना, आने वाले समय तू एडोपियर डायमंड बनना एडोपियर अम्बेसडर बनना, दोस्तों बाप अपने बेटों को करने पर मजबूर हो जाएगा, वो परिस्थिति ला देंगे 2 साल बाद 2022-23 में वो माहौल आएगा दोस्तों, एक बाप भी अपने बेटों को बोला तू नेटवर्किंग कर दोस्तों, ये माहौल आएगा एडोल पे का। दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहूँगा, बस नेक नियत ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म पर लगे रहना, ये संजीव सर कोई साधारण पुरुष नहीं है, परमात्मा कहते हैं महाकाल का बनाया हुआ चीज़ है, ये महाकाल का बनाया हुआ कंपनी दोस्तों, कभी अहंकार मत लाना कभी ईगो मत लाना। महिपाल से एक बात बोलते हैं, मेरे घर में छोटा सा मंदिर है, जब भी मैं पूजा करता हूँ बोलता हूँ मुझे भगवान मुझे अहंकार मत देना, कभी अहंकार ना आने पाए ध्यान रखना, अहंकार आया तो रावण का 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती खत्म हो गए, दुर्योधन का 100 भाई खत्म हो गए, कभी अहंकार मत लाना दोस्तों, ये परमात्मा का दिया हुआ है, ये हम लोग का माध्यम है, हम एक माध्यम है दोस्तों, आने समय या करोड़पति बनाने कारखाना बनेगा एडोल पियल, बस आपको देखना आप कौन से लेवल पर होते हैं, बस दोस्तों बस जो टिकेगा वो कमाएगा, जो टिकेगा वो इतिहास बनाएगा। क्या आप इतिहास बनाने के तैयार हैं? इतिहास बना सकते हैं? 3 साल दे सकते हैं? सर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां कम पढ़े लिखे लोग नेक नियत ईमानदारी से 3 साल के अंदर 4 लाख महीना कमा सकते हैं, यही प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो 4 लाख देगा 40 लाख भी देगा ऐसा समय आएगा 80 लाख महीने का देगा। मैं ज़्यादा ना बोलते अपने बातों को, मुझे 5 मिनट का समय दिया गया था, मैं अपने बातों को यही समाप्त करूंगा दोस्तों, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड दोस्तों।